मुजफ्फरनगर में हो रही किसान संयुक्त मोर्चा की महापंचायत को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने राकेश टिकैत पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जो महापंचायत किसानों की बुलाई गई है वह कांग्रेस के फंड से हो रही है। किसानों के पास इतना पैसा कहाँ से आया? यह पूरी बात उन्होंने फिरोजाबाद जिले के सिकोहाबाद थाने के पास एक निजी कार्यक्रम के आगमन के दौरान कही। किसान आयोग का गठन हो जाएगा तो आलू मंत्रालय भी बनेगा, गन्ना मंत्रालय भी बन गया है, और गेहूं मंत्रालय भी बनेगा और धान मंत्रालय भी बनेगा। किसान आयोग का गठन हो जाएगा तो किसान आयोग का मतलब ही ये है कि सरकार किसान आयोग की राय से ही फसलों के दाम तय करेगी, तब वो दाम होगा लागत मूल्य का डोढ़ा। आज जो मूल्य तय होता है उसमें कोई लागत नहीं संभाली जाती, और सरकार को क्या पता होता है कि धान में कितना पानी लगता है, धान में कितना पानी लगता है। 20 रुपए की एक बोतल बिकती है पानी की, वो उद्योगपति की होती है, और हमारे किसान की ही समर, किसान का ही बिल, किसान का ही ट्यूबवेल, और धान में कितना पानी लगता है इसका कभी सर्वेक्षण हुआ है? सर्वेक्षण होकर कीमत लगाई जाए तो 50,000 कीमत बैठेगी धान की। इसलिए किसान आयोग सबसे पहले गठन किया जाए, इसकी जरूरत है। बिल फिल जो हो गए सो हो गए, उनसे हमारा कोई बात नहीं है। हम देश में अशांति नहीं चाहते। यदि इन कानूनों को बदला जाएगा तो हमारा विचार है। पीछे जो कानून बन गए हैं, NRC, 3 तलाक और 370 धारा, ये भी बदलने के लोग आंदोलन करेंगे, देश में अशांति हो जाएगी। इसलिए देश हमारा है, किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है, अन्न के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे, ये हमारा नारा है। जो किसान की बात करेगा वही देश का। एक बढ़िया वो कर रहे हैं कार्यक्रम, उसमें किसानों को एकता कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है, वो राकेश टिकैत बहुत दिन से दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पे और सिंधु बॉर्डर पे और उनके साथी कुछ टिकरी बॉर्डर पे पक्के मकान बना बना कर उनमें AC लगा लगा कर जनता को परेशान कर रहे हैं। ये सब काम उनके कांग्रेस की फंडिंग से हो रहे हैं। ये जो आज मीटिंग हो रही है वो भी कांग्रेस के पैसे से हो रही है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। यदि किसान नेता कोई होता है तो जिसकी सरकार होती है उससे बात करके किसानों की समस्याओं का समाधान करवाता है। ऐसा नहीं है कि सड़कों पर कब्जा कर लो, किसी के मकान पर कब्जा कर लो, किसी के प्लॉट पर कब्जा कर लो, ये तो सब आतंकवादियों का काम होता है, जो देश में अस्थिरता फैलाते हैं, अशांति फैलाते हैं, और जो उनके सामने पड़ जाए उसको मार देते हैं, गाली देते हैं, व्यभिचार करते हैं। ये किसानों का काम नहीं है। आज जो मुजफ्फरनगर में मीटिंग हो रही है, हम दावे के साथ कह रहे हैं, वो कांग्रेस के फंडिंग से हो रही है। नहीं तो एक एक जगह 20-20 गाड़ी भिजवाना और फिर उनसे किसी किसान नेता पे, किसी किसान पे जो किसान किसानी से आधारित है, किसानी के अपने पैदावार से जो चलता है उसका घर मुश्किल से चल रहा है। इसलिए हमने भारतीय किसान भानु देश का सर्वमान्य संगठन है और इसमें सब ईमानदार लीडर हैं, और हमने सरकार से, केंद्र सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार से, आज हम फिर लखनऊ जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे कि आप केंद्र सरकार से कह के देश में किसान आयोग का गठन करवा दो, और किसान विरोधी नीतियों के कारण देश के किसान पर कर्जा हो गया है, चाहे वो गन्ना का किसान हो, गेहूं का किसान हो, आलू का किसान हो, धान का किसान हो, जो भी किसान है उन पर कर्जा हो गया है। कर्जा में उन्होंने KCC बनवाए, KCC नहीं पटते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। उनकी आत्महत्या करने के लिए किसान आयोग का गठन, और किसान आयोग में सभी सदस्य और किसान आयोग का अध्यक्ष किसान रहेंगे, उनकी सहमति से फसलों के दाम तय होंगे, तब ये किसान देश का बच पाएगा। 80% किसान है, बहुमत में किसान है, इसलिए हमारा अपना मानना है कि जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। इसलिए हम आज
अपनी प्रदेश सरकार और अपनी केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि किसान आयोग का गठन कर दीजिए। जो बिल बन गए, जो बिल कानून के रूप में बदल गए, उनसे हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे। और ये तो तीन कानून को बदलो, फलाना ये वो ढकामा, ये सब कांग्रेस की फंडिंग से हो रहा है और होगा। इनसे किसी वोट पे या किसी राजनीति पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं। हमारा नाम है भानु प्रताप सिंह। भानु का पर्यावाची शब्द सूर्य होता है, सूर्य का स्वभाव होता है कि सबको फ्री में प्रकाश देता है, पूरे देश नहीं पूरे भूमंडल को फ्री।